नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। सोर में 7 वर्षीय बच्चे के साथ हुए बलात्कार के लिए पूरे देश में जहां इंसाफ की मांग की जा रही है, वहीं आरोपी को सजा देने के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज अभियान चलाए हुए हैं और आरोपी को फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं सिरसा से भाजपा युवा मोर्चा के नगराध्यक्ष करण दुग्गल ने आरोपी को फांसी दिए जाने के लिए उपायुक्त महोदय सिरसा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी को फांसी दी जाए ताकि इस प्रकार के आरोपी को दी जाने वाली सजा आने वाले समय और युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन सके ताकि अपराधी इस तरह का कृत्य करने से डरें। वहीं उपायुक्त महोदय सिरसा ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके कमेंट करके राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया जाएगा। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट, आइए जानते हैं कर्ण दुग्गल ने इस पर क्या कहा। उस पे वैसे तो वहाँ की पुलिस और पुलिस अधीक्षक का बयान भी है कि हम 10 दिन में चालान पेश करके उसे फांसी दिलाने का 30 दिन में प्रयास करेंगे, 30 दिन में उसे फांसी दे दी जाएगी, ऐसा उनका बयान है। और हम ये और वहाँ की सरकार भी इसको लेके गंभीर है, केंद्र नेतृत्व भी इसको लेके गंभीर है कि और वहाँ के जो इरफान लड़का है मुसलमानों का, वहाँ के उनके मौलवी ने भी ये बात कही है कि यदि आप इसको फांसी देते हैं तो हम इसको दफनाने की जगह भी नहीं देंगे, अपने हमारे कलाम में उसको दफनाने की जगह भी नहीं है। तो चाहता मैं ये हूँ, चाहते हम सब युवा जो सिरसा के आज एकत्रित हुए ये हैं कि देश के 5500 से ज़्यादा देश में IAS ऑफिसर हैं, अगर वो अपने ओर से ज्ञापन रिकमेंड करके राष्ट्रपति जी के नाम भेजें तो उसको फांसी जल्द से जल्द होगी, शीघ्र होगी। और यही ज्ञापन हमने आज DC महोदय को दिया है, उपायुक्त महोदय को दिया है कि वो राष्ट्रपति तक इस ज्ञापन को रिकमेंड करके पहुँचाएँ और अपने कमेंट्स दे के पहुँचाएँ, सबसे बड़ी बात अपने कमेंट्स दे के पहुँचाएँ। तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और राजनीति से ऊपर उठे आएँ। और मैंने ये कल ट्वीट भी किया था, मेरे फेसबुक पे भी स्टेटस है कि कोई भी राजनेता, कोई राजनीति करने वाला, चाहे वो प्रासंगिक दल से हो या अप्रासंगिक दल से हो, वो जब भी अपना स्वर्ण मुख खोले तो वो राजनीति को अपनी बाई जेब में रख के खोले। जब भी ऐसा कोई अपवाद होता है, अपराध होता है, तो एक मौलवी को बिठा दिया जाता है, एक पंडित को बिठा दिया जाता है और उनसे बहस करवाई जाती है। इससे देश का माहौल ख़राब होता है। और मैं कहना ये चाहता हूँ न्यूज़ चैनलों से, आप चौथा स्तंभ हैं, आपने आपने सही मार्ग राजनीति को दिखाया है और दिखाते रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबर अकबर चले गए लेकिन कबीर रहते हैं, और चंद्रगुप्त का वंश नाश हो गया लेकिन चाणक्य रहते हैं। तो ये राजनेता आते जाते रहेंगे, मीडिया ने रहना है, हमने रहना है, समाज को एक आईना दिखाने का काम आप लोग करते हैं। तो मेरा निवेदन बस यही है कि इसको हिंदू मुसलमान का नाम ना देके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो 7 वर्षीय बच्ची के साथ ऐसी रेप की घटना करता है तो मुझे लगता है उसे फांसी देनी चाहिए। हिंदू मुसलमान का कोई वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, ये बात समझी ना गई तो नुकसान सबका है, मेरा ये मानना। तो DC सर की तरफ से क्या उत्तर है आपके पास? DC सर ने कहा है, उपायुक्त महोदय ने, कि हम राष्ट्रपति के नाम इसको जल्द से जल्द भेजेंगे अपने कमेंट देके, और उसकी डायरी भी हमने करवा ली है और हम उसका स्टेटस पता करते रहेंगे, और जो हमसे बन पाया अगर उसे जल्द से जल्द 30 दिन में, 45 दिन में, जो भी टैग है, इनका टाइम ऑफ टैग है फांसी देने का जो समय निर्धारित है, अगर वो तब तक नहीं होता तो शायद हम पदाधिकारी की तरफ से मुख्यमंत्री जी को या केंद्रीय नेतृत्व को भी मिले। थैंक यू सर।